आप एक मेरा क्वेश्चन रिप्लाई करिए, आप उनको क्यों नवाब बताएं? जितने उनके सोशल अकाउंट हैं उन पर सब पे उन्होंने नवाब कासिम अली खान लिखा है, इसलिए हम नवाब बता रहे हैं। वो तो लिख सकते हैं, मगर वो भी मैंने आपको समझा दिया कि आप भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, पैदा तो नहीं हुए नवाब। वो तो समझा दिया था कि उनके बाप नवाब ज्यादा थे, वलीयत बहादुर नहीं थे, नवाब ज्यादा जुल्फिकार, और बिल्कुल सही बात, वो नवाब के बेटे थे, मेरे अंकल वो मेरे अंकल थे नवाब ज्यादा जुल्फिकार अली खान, और नवाब ज्यादा का जो बेटा होता है वो साहब ज्यादा होता है। वो तो समझा दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम एट द मीटिंग, खाली वलीयत का बेटा नवाब बन सकता है। मिकी अंकल नवाब ज्यादा थे बिल्कुल, मगर वलीयत रामपुर नहीं थे, वलीयत रामपुर मेरे बाप थे। और 1966 में वो नवाब बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको ख़त लिखा, और जो भी पावर्स, प्रिवी पर्स तो आप समझते हैं, प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस जो नवाब रज़ा अली खान को मिलते थे, देखिए नवाब रज़ा अली खान जो थे वो रूलिंग एम्परर थे रामपुर के 1948 से, 1948 के बाद उनको एक नया टाइटल जो दिया नवाब का, उसमें प्रिविलेजेस थे, प्रिवी पर्स थे, ये सब नए चीज़ से थे। बिल्कुल वही चीज़ मेरे बाप को मिली विद द टाइटल अनटिल 1971, जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, उसके बाद सब बंद हो गया ऑफिशियली सब बंद हो। उसके बाद नवाब का टाइटल भी मेंट नथिंग, क्योंकि उसके साथ ना तो प्रिविलेजेस थे, खाली बर्थ राइट थे, बर्थ राइट तो उनके पास था ही नहीं, मगर वो कहते हैं नवाब। मैंने उस दिन भी समझाया था कि अमेरिका में भी एक लोग कहते हैं अपने का नवाब रामपुर, लंदन में कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं, तो यहाँ वो कहते हैं, कैसे कहते हैं वो तो उन्हीं से पूछे। नो इट इज मिस यूजिंग, आई मीन एक्चुअली इट्स एन इंपोस्टर। ये नवाब मुर्तजा अली खान की बेटी थी, तो ये तो शहजादी हुई, एक जमाने में नवाबजादी भी थी।